जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग याद कर रहे हैं उस ऐतिहासिक स्थिति को जो आज से 50 साल पहले हमारे देश के वीर योद्धाओं ने साकार किया था। कई बार मैं सोचता हूं कि ये जो पूरा दिसंबर का महीना है, ये हमारे देश के लिए गौरवपूर्ण गाथाओं को याद करने का एक मौका है। इस मंथ की स्टार्टिंग में ही ऑपरेशन ट्राइडेंट आ जाता है और उसके बाद 16 दिसंबर को आ जाता है विजय दिवस। सो ऑन दिस 50th एनिवर्सरी ऑफ विजय दिवस, आई विश एवरी वन ऑफ यू अ वेरी हैप्पी विजय दिवस एंड लेट अस सेलिब्रेट द वेलर एंड करेज ऑफ आर आर्म फोर्सेस। ये दिन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है जहां पर आज हम ट्राई सर्विसेज और तीनों सेनाओं के एक साथ काम करने के मुद्दे पर कई बार चर्चा करते हैं। आज से 50 साल पहले आर्मी नेवी एयरफोर्स ने ऐसा ही एक करिश्मा, ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया था जहां पर 13 दिन की लड़ाई में उन्होंने एक देश को दो हिस्सों में बांट दिया था। 13 दिन के बाद 93,000 पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और इस मौके पर आज हम सभी देश के जो लोग हैं वो एक गौरव महसूस कर रहे हैं। आज हम लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम भी अपने देश के महान वीर जैसे फील्ड मार्शल मानेकशॉ, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और लेफ्टिनेंट जनरल जेएफआर जेकब की जो लेगेसी है उसे आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत कदम उठाते रहे। सो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज ऑलवेज नेशन फर्स्ट। अगर नेशन है तो आप हैं, अगर देश है तो आप हैं, देश के बिना आपकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो आज इस मौके पर हम सभी को ये प्रण लेना होगा, ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि कुछ भी हो जाए राष्ट्र हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। ओके, सो इट इज नेशन फर्स्ट, रेस्ट एवरीथिंग कम्स लेटर। ओके, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन एंड लेट अस कोमेमोरेट दिस वेलर ऑफ आर आर्म्ड फोर्सेस। जय हिंद।